जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों क्लास 10th के लिए हम लोग साइंस का पेपर लेकर के आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। और साइंस में हम लोग क्या करेंगे, अभी के वीडियो में आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताएंगे, आप लोग याद रखना 22 अक्टूबर के दिन आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, इसके बाद आपका सोशल साइंस का पेपर आएगा और हिंदी इंग्लिश और मैथ का भी, तो सभी लोग तैयार रहिएगा, देख लीजिएगा। टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। बिना देरी करते आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने टोटल जो प्रश्न पूछा, इसमें 30 क्वेश्चन, आपको मात्र 25 क्वेश्चन का इसमें से जवाब देना होगा। तो बराबर से यहाँ पर देखेंगे आप लोग, प्रश्न जो बोला ना, पहला बोला कि विद्युत जो ना पहला बोला विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, तो पहला का ऑप्शन नंबर आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पर बिल्कुल ही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। तो पहला का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखेंगे वोल्ट। पहला का क्या याद रखिएगा, बी नंबर। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए आपके सामने 2 है, तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि न्यूटन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर बोला डायनेमो का सिद्धांत आधारित होता है किस पर, तो 3 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी याद रखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरक परीक्षण पर, राइट आंसर सी नंबर जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगली प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर बोला कि विद्युत मोटर चलाया जा सकता है, तो याद रखिएगा 4 का सी नंबर होगा, यानी कि दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, तो ऑप्शन बी में डी में दिया गया, सी में दिया गया, ए बी दोनों, तो सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर बोला गया कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखेंगे फ्लेमिंग के नियम, ऑप्शन नंबर 5 का ए नंबर जो है बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, प्रश्न आपसे क्या बोला गया, प्रश्न बोला कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, तो देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो की थी ना प्यार बच्चों, याद रखिएगा डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा, यानी कि आपका फैराडे होगा, डी नंबर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपके सामने 7 नंबर प्रश्न बोला विद्युत चुंबक बनाया जाता है, तो 7 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर, याद रखिएगा 7 का सी नंबर होगा कि डी नंबर होगा। देख लो यहाँ पर 7 नंबर ना क्या बोला कि विद्युत चुंबक बनाया जाता है किसमें, तो आप याद रखेंगे ये हो जाएगा जो है ना किसमें, सी नंबर, नरम लोहा में, तो चलिए बिल्कुल नरम लोहा होगा ऑप्शन नंबर, आप लोग यहाँ पर सी नंबर याद रखिएगा। 8 है कि विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है किस चीज़ को, विद्युत जनरेटर जो परिवर्तित करता है ना यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो बिल्कुल देखिए 8 का राइट आंसर सी नंबर करेक्ट होगा, 8 का क्या होगा सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा, आप लोग याद रखेंगे 8 नंबर का सी बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखना आप लोग, यहाँ पर क्या बोला 9 नंबर बोला कि विद्युत तार सामान्यता क्या है, तो याद रखिएगा 9 का ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, यानी कि काले रंग का होता है, ऑप्शन नंबर 9 का ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 10 है कि जो ना द्विक परिवर्तक युग नियंत्रित जनित परिवर्तित प्रयुक्त जनित उत्पन्न क्या करेगा, तो 10 नंबर का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, याद रखेंगे दिष्ट धारा, ऑप्शन क्या होगा ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी लोग ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को आप पे प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर लीजिए, क्योंकि यही आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे, देखिएगा 11 नंबर की डाल्टा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए नंबर, यानी कि जो ना असंतृप्त, राइट आंसर याद रखिएगा 11 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, 11 का असंतृप्त हो जाएगा डाल्टा में उपस्थित, 11 है, एक सेकेंड, 11 नंबर का ए होगा, अरे चलो देख लेना, चलो ठीक है यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लो, संतृप्त या असंतृप्त होता है, दालता में उपस्थित वसा अम्ल की प्रकृति क्या होती है, तो अंडाक्ष यही होगा ऑप्शन नंबर, आप लोग ए नंबर नोट कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, कमेंट भी करना। देखो 12 है कि आयोडीन की को निर्धारण जो ना आयोडीन को निम्नलिखित में से किस धर्म में जो है ना इस प्रकार से देखना। देखो यहाँ पर ऑप्शन डायरेक्ट देख लो, 12 नंबर का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये आपका कार्बन जो ना टेल्ट्रा क्लोराइड होगा, ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो आपके सामने 13 नंबर बोला गया, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो बिल्कुल 13 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना सी नंबर, यानी कि याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा जो ना CnH2n, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 15 की एल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच बंधन का प्रकार क्या होता है, तो 15 का बिल्कुल ऑप्शन आपका बी होगा, द्विक बंधन, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा।
आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे बोला जा रहा है कि इथाइलीन का IUPAC नाम क्या है, तो बिल्कुल 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि इथीन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 17 है एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह क्या है, तो बिल्कुल देखिएगा 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ना नोट करेंगे तो ये हो जाएगा बी नंबर, यानी कि आप याद रखेंगे 17 का बी नंबर होगा कि डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए डी नंबर ही होना चाहिए, एक बार देख लीजिए 17 का। ठीक है, चलो ठीक है, 17 का डी ही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख लेना क्या बोला जा रहा है। ठीक है, एक सेकेंड प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लो, 18 नंबर क्या बोला कि आपको आपसे बोला एल्काइन में दो कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल ही डी नंबर हो जाएगा, यानी कि आपका ये हो जाएगा जो है ना 5। अगली क्वेश्चन 5 है कि कितना है, 6 हो जाएगा। देखो लिखा हुआ होगा कुछ, देखो एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पर 19 का बी नंबर जगह नाइट्रोजन, और राइट आंसर बिल्कुल बी नंबर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको ना इसका PDF बता देता हूँ कहाँ पर मिलेगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर आपको गूगल में मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है चलिए फटाफट से हम आपको सिखाते हैं। आप वीडियो देखने के बाद जाकर के ना डाउनलोड करके अच्छे से लिख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों आंसर डाउनलोड करने के लिए अपने फोन में गूगल को ओपन करके आप लोग सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लो, और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर, आप लोग चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लो। फिर आप लोग क्या करोगे, ऊपर करोगे फर्स्ट में मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर दोगे। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लोगे, नीचे चले आओगे। नीचे आओगे तो यहाँ पर देखना आपके सामने जो है ना क्या मिलेगा, तो क्लास 10th का सेशन मिलेगा और क्लास 10th अक्टूबर मंथ एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, तो फर्स्ट वाला पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लोगे, नीचे चले आओगे आप लोग। यहाँ पर देखना आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, पहले ज्वाइन आप क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे, फिर नीचे आपको बढ़ना है। यहाँ पर देखो आपके सामने साइंस लिखा हुआ मिलेगा, इसके सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक कर दो। क्लिक करके आप पेज वगैरह को आकर के यहाँ पर रिफ्रेश करना, ताकि सब्जेक्टिव वगैरह का आंसर जैसे अपडेट होगा तो आपको दिख जाएगा, तो लिख पाओगे। तो देखो फिलहाल ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इसे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है ना, ठीक है, इसको लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, और आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से आकर के आप लोग पेज को रिफ्रेश करके डाउनलोड कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। 20 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया, ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। 20 नंबर प्रश्न बोला कि निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में अविलय है, तो बिल्कुल यहाँ पर देखना आप लोग 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका जो है ना 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ग्लूकोज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए कैसे कि एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं, तो आप 21 का याद रखेंगे ऑप्शन डी होगा, यानी कि 4, डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि जीवाणु क्या कहलाते हैं, तो बिल्कुल देखिएगा 22 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि अपघटक, राइट आंसर बिल्कुल ही सी नंबर करेक्ट होगा। 23 है कि वाघ उपभोक्ता है, तो बिल्कुल आप याद रखेंगे 23 का ऑप्शन बी होगा, यानी कि द्वितीय पोषी स्तर का उपभोक्ता होगा, बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आप चैनल को मैं बार बार बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके बाद जस्ट आपका सोशल साइंस का पेपर आ रहा है। ठीक है, और सब्जेक्टिव का भी हम क्वेश्चन नेक्स्ट ही वीडियो में दिखाएंगे, तो आप जरूर तैयार रहो। 24 की ओजोन परत क्या है, तो बिल्कुल याद रखो ओजोन परत जो होगा 24 का बी नंबर होगा, हानिकारक, राइट आंसर बी होगा। 25 है कि निम्नांकित में से कौन एक जैव और नवीकरणीय पदार्थ है, तो बिल्कुल देखो 25 का ऑप्शन आपका ए नंबर होगा, यानी कि कागज, राइट आंसर बिल्कुल ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो 26 नंबर के प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं, तो बिल्कुल 26 का राइट आंसर डी होगा, यानी कि शाकाहारी, राइट आंसर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली प्रश्न देख लो, 27 है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा है, तो 27 का ऑप्शन हो जाएगा CFC, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 28 है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना कौन किसी पारिस्थितिकी तंत्र का जैव घटक हो सकता है, तो 28 का ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, याद रखेंगे कवक, राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लो, नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर की CFC का व्यापक उपयोग क्या होता है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर देखना 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ना डी, यानी कि इनमें से सभी का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। देखो 30 नंबर क्या बोला कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, तो पारिस्थितिकी तंत्र होगा समुद्र, राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। तो इस प्रकार से हमने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिया। अब सब्जेक्टिव की बात है तो हम नेक्स्ट वीडियो ला रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, तो नहीं कर लियो तो अच्छी बात है, नहीं तो कर लो, और कमेंट भी करो किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।